देखिए आज मैं बता रही हूँ आपको कि वी गला किस तरह बनाते हैं। तो ये मीडियम साइज़ की शर्ट है मेरी और इसकी कटिंग हुई हुई है, इसको मैंने काट लिया है। और अब देखें यहाँ से इसका नेक का साइज़ लेंगे हम, तो यहाँ इसकी जो नेक की चौड़ाई है मैं रखूँगी 6 इंच, यानी 6 1/2 3 इंच। और इसकी जो लेंथ होगी गले की वो रखेंगे हम 7 इंच। तो 7 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, इसको इस तरह से निशान डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं और निशान डाल के भी काट सकते हैं। अब जब निशान डाल लेंगे तो ये इस तरह हम जब क्रॉस में बनाएंगे तो ये आराम से बन जाएगा। अब हम इसको यहाँ से काट के अलग कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा वी गला कट गया है। अब मैं इसके लिए पट्टी बनाऊंगी कि किस तरह हम पट्टी लगाएंगे। ये देखिए जो मैंने साइड में से कटिंग निकाली है ये वही कपड़ा यूज़ कर रही हूँ मैं। अब ये जो मैंने कटिंग करके निकाला है वी, इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी इस तरह। ये बिल्कुल हमें इसी के साइज़ का निकालना है तो फिर हमारा गला बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ से 1 इंच चौड़ी, 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हम निकाल लेंगे। ये 1.5 इंच निकालूंगी मैं, यहाँ से निशान नज़र नहीं आ रहा शायद आपको, तो यहाँ से देखें और ये वी शेप में ही निकालूंगी। और यहाँ से ये देखें, अब इस तरह ये निशान लगाते हुए हमें पूरी इतनी चौड़ी पट्टी निकाल लेनी है। अब इसको वी शेप में ही निकालेंगे हम। ये देखें निकाल ली मैंने। अब ये देखें शर्ट को मैंने सीधा रखा है और इसको पट्टी को मैंने इस तरह इसके साथ सीधे से सीधे को मिला दिया है। ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। अब चाहें तो आप इसको पिनअप कर लें यहाँ पे, या सुन के टाँकों से कच्चा कर लें। और ये जो बिल्कुल सेंटर की लाइन आ रही है हमारी, इसके ऊपर हमें यहाँ पर नोक बनानी होगी। तो मैं चलें बताती हूँ किस तरह बनाएंगे हम। अब यहाँ से देखें 1/5 की सिलाई लेते हुए हमें सिलाई लगानी होगी। देखिए ये मैंने लाइन डाल के एक आपको बताया कि ये इस तरह हमारी यहाँ पे ये सीधा आएगी, तो यहाँ पे हमें नोक बनानी है। अब देखें यहाँ पूरी सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे जो देखें यहाँ पे जो नोक आ रही है यहाँ पे हमें कट लगाना होगा। ख्याल रखते हुए जहाँ तक हमारी सिलाई आ रही है वहाँ तक का हमें कट लगाना है। अब इस पट्टी को हम इस तरह टर्न करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे ताकि अंदर की तरफ पट्टी हमारी बिल्कुल सफाई से चली जाएगी। तो अब यहाँ पर एक किनारे पर सिलाई लगाती हूँ मैं। अब देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है, तो इससे आसानी होती है कि हमें बिल्कुल आराम से ये पट्टी अंदर की तरफ मोड़ने में कोई मुश्किल नहीं होती है। और देखें कितने नीट तरीके से वी गला बनाया है हमारा, वी की नोक भी देखें आप। अब यहाँ से हमें इसको इस तरह डबल पट्टी को मोड़ते हुए, आप अभी तो इस वक्त आप पहले इसको पिनों से दबा लें या सुई के टाँकों से कच्चा करके लगा सकते हैं, वो कर लें। उसके बाद फिर हम इसको तुरपाई कर लेंगे। इसको इस तरह बनाएंगे। अब ये देखें जो सेंटर की जो नोक ये हमारी लाइन आ रही है,
सेंटर में मैंने क्रीज डाल ली थी। इस क्रीज के ऊपर मैं इसको नोक कर रखूँगी। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह पट्टी को दबा के हम मोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने पिने लगा के बता दिया इस तरह। अब मैं इसमें यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी। ये पट्टियाँ निकाल के काट दें। तो देखिए यहाँ मैं इस तरह से यहाँ पे तुरपाई करूँगी इसमें। और देखिए पिने लगाने का मकसद मेरा ये था कि आपको पट्टी दबाते वक्त परेशानी ना हो, पिने निकालती जाएँ और तुरपाई करती जाएँ आराम से। अब देखें ये वी गला बनने के बाद दोनों जो है हमारे इस तरह से आने चाहिए, बिल्कुल बराबर आने चाहिए। यहाँ से इसको खोल के दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा वी गला तैयार है।